समन 15 जनवरी को जारी किए गए हैं। किसान नेता और क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रमुख दर्शन पाल सिंह ने कहा कि समन पाने वालों में से वे लोग भी हैं जिन्होंने जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को आर्थिक मदद की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हुई पिछली बैठक में एनआईए के मामलों का मुद्दा उठाया गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के बूटा सिंह बुर्जागिल का दावा है कि नोटिस पाने वालों में कई जत्थेदार भी शामिल हैं। दर्शन पाल सिंह ने कहा कि आनन फानन में रविवार को एनआईए ने पूछताछ के लिए तलब किया ताकि इसे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आधार बनाया जा सके। इसी आधार पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में खालिस्तान की घुसपैठ का हलफनामा दाखिल कर सकती है। किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करने वाले लोगों को एनआईए के नोटिस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जो लोग आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं उन्हें अदालती मामलों, जेल और संपत्ति की जब्ती के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं आपको बता दें, दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऐसा कहना है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि गुजरात के केवड़िया में स्थित सरदार पटेल की मूर्ति का स्थल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि यहां अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से अधिक पर्यटक आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को खोले जाने के बाद से लगभग 50 लाख पर्यटक इसके दीदार के लिए आ चुके हैं। मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों को केवड़िया से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17 जनवरी यानी कि कल की सुबह को 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई थी। हरी झंडी दिखाने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने ये बातें कही थी। वहीं आपको बता दें, अर्थव्यवस्था में आ सकती है 25% की गिरावट। देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरुण कुमार का मानना है कि सरकार के दावे के विपरीत अर्थव्यवस्था में अधिक तेजी से सुधार नहीं आ रहा है। चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 25% की गिरावट आ सकती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में बड़ी गिरावट से बजट अनुमान पूरी तरह दायरे से बाहर निकल गया है और बजट को दुरुस्त करने की जरूरत है। कुमार ने साक्षात्कार में कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि में उतनी तेजी से सुधार नहीं आ रहा है जैसा सरकार दिखा रही है। असंगठित क्षेत्र की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है और सेवा क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से भी अब तक उभर नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे विश्लेषण के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 25% की गिरावट आएगी। अप्रैल मई में पूर्णबंदी के दौरान सिर्फ आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन हुआ, यहां तक कि कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि नहीं हुई। भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट आएगी। वहीं आपको बता दें कि रविवार को 6 राज्यों में हुआ टीकाकरण, 17,000 लोगों को लगाए गए कोरोना के टीके। कोरोना टीकाकरण के दूसरे दिन सिर्फ 6 राज्यों में टीकाकरण किया गया। इस दौरान 553 सत्रों का आयोजन हुआ जिसमें 17,072 लोगों को टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव मनोहर अगनानी ने बताया कि रविवार तक देश में कुल 2,24,301 लोगों का टीकाकरण किया गया और इस दौरान टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव के 447 मामले सामने आए। वहीं आपको बता दें कि एक अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों ने अपने यहां सामान्य टीकाकरण के दिन को ध्यान में रखते हुए कोरोना टीकाकरण के दिनों को निर्धारित किया गया है। दिनों की यह संख्या 2 से लेकर 6 दिन तक है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से सप्ताह में 4 दिन कोरोना टीकाकरण के लिए निर्धारित करने के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि रविवार को केवल 6 राज्यों में टीकाकरण किया गया। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर और तमिलनाडु शामिल है। आपको बता दें कि इन राज्यों में कुल मिलाकर 553 सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें 17,072 लोगों को टीका लगाया गया। अग्नानी ने बताया कि दोनों दिनों को मिलाकर अब तक 2,24,301 लोगों को टीका लगाया जा चुका है।
इनमें से 2,07,229 को टीकाकरण के पहले दिन यानी शनिवार को टीका लगाया गया। उन्होंने बताया कि यह संख्या किसी भी देश में पहले दिन के टीकाकरण से अधिक है। अग्नानी ने बताया कि टीकाकरण के दौरान आ रही समस्याओं और उनके समाधान के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के साथ विस्तृत चर्चा की है। साथ ही उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार को टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव के 447 मामले सामने आए। इनमें से 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इन 3 मरीजों में से एक को 24 घंटे के अंदर उत्तरी रेलवे अस्पताल दिल्ली से छुट्टी भी दे दी गई थी। वही आपको बता दें, वाम मोर्चा व कांग्रेस में इस महीने के अंत तक सीट के बंटवारे पर होगा समझौता। पश्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मिलकर लड़ने का संकल्प जताते हुए कांग्रेस और वाम मोर्चा ने रविवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने के अंत तक उनके बीच सीट बंटवारे पर समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बैठक के बाद कहा कि उनकी पार्टी और वाम मोर्चा के बीच सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए आगे भी बैठक होगी। दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच सीट बंटवारों पर समझौता के लिए रविवार को बैठक हुई। वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस ने कहा कि हालांकि भाजपा देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों के खिलाफ है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी ने कांग्रेस और वाम मोर्चा के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, एक तरफ सांप्रदायिक भाजपा और दूसरी तरफ फासीवादी टीएमसी को हराने के लिए हमें लोकतांत्रिक गठबंधन के तौर पर मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और वाम मोर्चा के बीच सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना माहौल में बातचीत हो रही है। चौधरी के विचारों से सहमति जताते हुए बोस ने कहा कि जनवरी में दोनों पार्टी द्वारा विधानसभा सीटों पर लड़ी जाने वाली सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बोस ने कहा कि हम वाम मोर्चा और कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि राज्य और देश के लोगों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच कोई गलतफहमी नहीं है। भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए टीएमसी द्वारा दोनों दलों को सत्तारूढ़ दल से हाथ मिलाने के सुझाव पर बोस ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भगवा दल को पैर जमाने का मौका दे दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह सुझाव टीएमसी द्वारा राज्य के लोगों को गुमराह करने का प्रयास है। सूत्रों ने बताया कि दोनों दल जल्द ही कोलकाता में एक बड़ी रैली का आयोजन करने वाले हैं। 294 सदस्यीय बंगाल विधानसभा में अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि साल 2016 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों दलों ने गठबंधन किया था और 294 सदस्यीय विधानसभा में 76 सीटों पर दर्ज की थी जीत। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों दल अलग अलग लड़े और कांग्रेस को जहां 2 सीटों पर जीत हासिल हुई, वहीं 1977 से 2011 तक राज्य में शासन करने वाले वाम मोर्चा को एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर वाशिंगटन में बुलाए गए हजारों सैनिक। वाशिंगटन में हिंसक प्रदर्शनों की आशंका के मद्देनजर रक्षा अधिकारियों द्वारा और सैनिकों को भेजने की मांग के बाद बड़ी संख्या में सैनिक विभिन्न राज्यों से बसों और विमानों के जरिए शनिवार को राजधानी में आने लगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ लेने से पहले प्रदर्शनों की आशंका को देखते हुए सेना के अधिकारियों ने राज्यों के गवर्नरों से नेशनल गार्ड के आधिकारिक जवानों को भेजने की अपील की थी, जिससे शहर के ज्यादातर हिस्से में शपथ ग्रहण से पहले पूर्णबंदी लगाई जा सके। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद भवन कैपिटल पर भीड़ ने हिंसक दावा बोला था। उसी घटना को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि हिंसक कट्टरपंथी समूह शहर को निशाना बना सकते हैं। सहस्त्र घुसपैठियों के आने और विस्फोटक उपकरण लगाने जैसी आशंका भी जताई गई है। वहीं आपको बता दें कि वाशिंगटन में अगले हफ्ते की शुरुआत तक 25,000 से अधिक सैनिकों के आने का अनुमान है, लेकिन इसके साथ ही राज्यों के संसद भवनों में हिंसा की आशंका के संबंध में चिंता जताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि बीते 72 घंटों में कम से कम 7,000 सैनिक मैरीलैंड में ज्वाइंट बेस एड्स पहुंचे।
FBI ने सभी राज्यों के संसद भवनों में हिंसक हमलों की आशंका जताई है। रविवार को हमलों की आशंका के मद्देनजर सभी राज्यों की राजधानियों में हथियारों से लैस सैनिकों को तैनात किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि पूरे अमेरिका के सभी राज्यों के संसद भवनों में भारी भरकम हथियारों से लैस जवानों को तैनात किया गया है। लोकतंत्र के प्रतीक ये भवन वैसे ही लग रहे हैं जैसे कि युद्धग्रस्त देशों में भारी सुरक्षा के बीच अनेकी दूतावास होते हैं। गवर्नरों ने आपात स्थिति की घोषणा भी कर दी है, साथ ही राज्यों के संसद भवनों को जनता के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही ऐसी आशंका है कि प्रदर्शनकारी रविवार से राज्यों के संसद भवनों की ओर आना शुरू कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि ठंड से जूझ रही दिल्ली आज थोड़ी सी राहत के हैं ऐसा। ठंड व कोहरे से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक हवाओं की दिशा बदलने की वजह से अगले दो दिन में तापमान में वृद्धि होने का अनुमान है और सोमवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। साथ ही राजधानी को जहरीली हवा से भी थोड़ी राहत मिली और वायु गुणवत्ता सूचकांक शनिवार को गंभीर श्रेणी से बेहद खराब श्रेणी में आ गया। रविवार सुबह राजधानी के बारापुला फ्लाईओवर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, पालम और सफदरगंज इलाके में जबरदस्त कोहरा छाया रहा। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सफदरगंज वेधशाला, जहां से पूरे शहर के प्रतिनिधि आंकड़े मिलते हैं, वहां रविवार सुबह तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों से हाड़ कपाती ठंड ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। वहीं घने कोहरे तथा शीतलहर के कारण पारा 4 डिग्री तक नीचे चला गया। साथ ही आपको बता दें कि IMD के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में पूर्वी दिशा से आने वाली हवा बह रही है और जो बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालय से आने वाली ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के मुकाबले कम सर्द होती है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस चौकन्ना हो गई है। अलकायदा और खालिस्तान समर्थकों के पोस्टर चप्पा चप्पा पर लगे हुए हैं। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के खास इंतजाम के साथ किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए दिल्ली में कई स्थानों पर खालिस्तानी समर्थकों के पोस्टर चस्पा किए हैं। इस बार के पोस्टर में अलकायदा, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकियों की तस्वीरें भी हैं। पुलिस ने इस पोस्टर के मार्फत कहा है कि इन आतंकियों की जानकारी देने वालों का नाम और उससे संबंधित जानकारियों को गुप्त रखा जाएगा। लोगों को सतर्क रहने के साथ यह भी कहा गया है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी बैठकें कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नई दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त और प्रवक्ता ईश सिंघल ने रविवार को बताया कि इस साल COVID-19 को देखते हुए तय किया गया है कि केवल टिकट और पास के आधार पर गणतंत्र दिवस के दिन लोगों को समारोह स्थल पर पहुंचने की अनुमति दी जाएगी। आमंत्रण पत्र नहीं होने पर स्वागत भी नहीं किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने परेड में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इस कारण भी दिल्ली पुलिस विशेष सुरक्षा व्यवस्था करेगी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में आखिरी समय में लोगों ने टीके से काटी कन्नी, ऐसा कहना है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का। कोरोना को मात देने के लिए शनिवार को हुए टीकाकरण में टीका लगाने से लोगों ने कन्नी काट ली। दिल्ली में पहले दिन सिर्फ 50% लोगों ने ही टीका लगवाया। यह जानकारी देते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को कहा कि कोरोना संक्रमण टीकाकरण के लिए कुछ लोग आखिरी समय में नहीं पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसी को अनिवार्य रूप से टीका लगवाने के लिए नहीं कह सकते। जैन ने कहा कि दिल्ली में टीकाकरण केंद्रों की संख्या 81 से बढ़कर जल्द ही 175 की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शनिवार को COVID-19 टीकाकरण के पहले दिन 4,319 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगवाया, जो टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने वाले कर्मचारियों का 53.3% है। वहीं आपको बता दें कि जैन ने कहा कि पूरे देश में इसी तरह की स्थिति रही और पहले दिन पंजीकरण कराने वालों में से केवल करीब 50% लोगों ने ही टीका लगवाया।
साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में रविवार को कोरोना संक्रमण के 246 नए मामले सामने आए हैं। वहीं नए मरीजों की यह संख्या करीब 8 महीनों में अब तक सबसे कम है। वहीं 8 और संक्रमितों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि यहां संक्रमण की दर भी गिरकर 0.36% रह गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के कुल 6,32,429 मामले हो गए हैं तथा संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 10,746 पर पहुंच गई है। साथ ही आपको बता दें कि नए साल के पहले महीने में यह 14वीं बार है जब संक्रमण के नए मामलों की संख्या 500 से कम रही है तथा लगातार 8वीं बार नए मामलों की संख्या 400 से कम है। वहीं आपको बता दें कि लुहारली टोल प्लाजा पर किसानों ने किया हंगामा। दादरी क्षेत्र के जीटी रोड पर लुहारली गांव के पास स्थित टोल प्लाजा पर रविवार दोपहर कारों में सवार होकर पहुंचे किसानों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि टोल पर लगे सेंसर व वाहनों का भार जांच करने वाली मशीनों को तोड़ दिया गया और कुछ समय के लिए सभी लाइनों को मुक्त कर दिया गया था। इस दौरान टोल पर तैनात पुलिस बल किसानों को रोकने में नाकाम रही। बताया जा रहा है कि हंगामा करने के बाद किसान दिल्ली की ओर चले गए। इस मामले में टोल प्रबंधन ने अज्ञात किसानों के खिलाफ तहरीर भी दी है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे बुलंदशहर की ओर से 15 कारों में सवार होकर आए किसान टोल पर इकट्ठा हो गए। आरोप है कि किसानों ने बिना किसी बात के लाइन नंबर 6 में वाहनों का भार जांचने वाले सिस्टम व लाइनों में लगे सेंसर पर लटक कर उसे तोड़ दिया। किसानों ने 10 मिनट तक जमकर उत्पात मचाया। कर्मचारियों ने विरोध करना चाहा तो उन्हें धमकी दे दी गई। इस दौरान किसानों ने सभी लाइनों से वाहनों को फ्री निकाला। बता दें कि किसान आंदोलन के शुरू से ही टोल पर पीएसी व पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। टोल के प्रबंधक अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि करीब 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। एसीपी टू ग्रेटर नोएडा नितिन कुमार सिंह ने बताया कि लुहारली टोल पर आने वाले किसान किस संगठन से थे इसका पता नहीं चल पाया है। किसान कुछ ही समय रुके, उसके बाद दिल्ली की ओर निकल गए। वही आपको बता दें कि महाराष्ट्र हरियाणा में कुक्कुट पक्षियों को मारे जाने का सिलसिला लगातार जारी है, ऐसा कहना है केंद्र का। केंद्र ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में कुक्कुट पक्षियों को मारे जाने का सिलसिला जारी है, जबकि मुंबई के साथ साथ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पोल्ट्री में बर्ड फ्लू के नए मामलों की भी पुष्टि की गई। अब तक 11 राज्यों छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। केंद्र ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे कुक्कुट पक्षियों और इनसे संबंधित तो उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और गैर संक्रमित क्षेत्रों राज्यों से इन उत्पादों की बिक्री की अनुमति दें। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बयान में कहा कि केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन मुंबई और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में खेड़ा रोड पर कुक्कुट में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं बयान में कहा गया है कि कुक्कुट में ही नहीं, पन्ना, सांची, रायसेन और बालाघाट में भी कौओ, श्योपुर में कौओ और उल्लू, जबकि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हंस और कबूतर में इस बीमारी की पुष्टि की गई है। बस्तर में कौए और कबूतर में, जबकि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में कौए में इस वायरल बीमारी की पुष्टि की गई है। वहीं आपको बता दें, नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर समीक्षा और कार्यान्वयन समिति का गठन होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र और राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक समीक्षा समिति तथा एक कार्यान्वयन समिति गठित करने जा रहा है। वहीं नई नीति पर 1.5 दर्जन राज्यों ने अध्ययन और सुझाव तैयार करने का काम लगभग पूरा कर लिया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की थी। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक निशंक ने सभी पक्षकारों से नीति के कार्यान्वयन को लेकर 25 जनवरी 2021 तक सुझाव देने की अपील की है।
मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा एक कार्यान्वयन समिति गठित करने का सुझाव दिया है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 1.5 दर्जन राज्यों ने इस दिशा में कार्यबल समिति गठित कर अध्ययन एवं सुझाव तैयार करने के काम लगभग पूरा कर लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में राज्य प्रमुख पक्षकार है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समग्र रूप से प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में क्रियान्वित करने के लिए उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में गठित कार्यबल की कई बैठकें हुई हैं। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीसी स्टार न्यूज़। नमस्कार।